जमाना बहुत अजीब हो गया। ये फितना का दौर है, ये मौलवी लोग का कदर खत्म हो गया, उलामा का सब लोग पेशाब का पीछे पड़ गया। सब लोग बोलता है तुम मेरा पेशाब देखिएगा, तुम बोलेगा हाँ यार तेरा पेशाब तो बहुत अच्छा है, ये मौलवी लोग तो 8 साल बर्बाद करता है। मेरी वाइफ ने मुझे टैक्स किया, कहते ये मीर साहब ये बार बार पेशाब पेशाब क्यों हो गया, सारी औरतें परेशान है। मैंने वापस कह दिया, मैंने कहा मेरी जान गौर से सुनो, वो पीर साहब क्या है। पीर साहब उलमा को छोड़ के पीर साहब के पीछे पड़ गए। तो हमारे शमसी साहब एक दफा जो है वो बयान मुजाकरा हो रहा था उनका, जो 11 बजे से 12:30 तक होता है ड्यूजबरी मरकज में। तो मुजाकरा करते करते उनके सामने एक साहब बैठा था, वो पान चबा रहा था। तो शमसी साहब उनको कहते हैं, कहते हैं भाई इज्तिमाई अमल है, आप पान चबा रहे हैं। तो आगे से कहने लगा हम फान क्यों नहीं चबाएगा, अल्लाह पर भी कुरान में जिक्र कर रहा है कुल्लू वन आलिया फान। हमारे कराची का दोस्त है मौली साहब, उनको हम एक दफा शबे जुमा पे लगे, वो है भी बड़ा रफ एंड टफ बेचारा, सही वो गैंगस्टर टाइप है। तो उनको ले गया, मैंने कहा चलो शबे जुमा, उनको रात भी ठहरा माशाल्लाह। तुम्हारे भाई चाचा लंदन मरकज में, सुबह वो माशाल्लाह सबको उठाता है नमाज के लिए। तो जिस हॉल में हम सोए हुए थे, अब ये मेरे साथ सोया हुआ था, साथ बिस्तर में मैं बिल्कुल पास था, वो चाचा अंदर आ गया, साला उठ जा साला ये बिस्तर में, अरे कौन है मस्जिद के अंदर गाली दे रहा। मैंने बोला नमाज के लिए उठा रहा सलाम। बीमार हो गए थोड़े वो बस ऐसी है। आते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा शहर है, आइए बहुत खूबसूरत सा शहर है कि न गिला करूंगा न शिकवा करूंगा तो सलामत रहे मैं दुआ करूंगा, न गिला करूंगा न शिकवा करूंगा तू सलामत रहे मैं दुआ करूंगा। तो एक भाई ने सुन लिया, कहता है अरे सुनो यार तुम पाकिस्तानी लोग क्या शेर फोड़ेगा, हम ये फोड़ के सुनाएगा फिर हमको कमेंट दो। तो कहने लगा ना गीला करेगा ना सूखा करेगा, ना गीला करेगा ना सूखा करेगा तू सलामत रहे हम दुआ करेगा। समझाइए कि ना खुद अपना ईमान का बड़ा करो ना हमारा करो, इसलिए जब तुम मिम्बर पर कुछ दफा दे